नमस्कार दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग सीजन 9। इस सीजन में काफी इंटरेस्टिंग, काफी उतार चढ़ाव मैचेस हो रहे हैं, जिसमें कि कभी लगता है कि ये टीम फेवरेट्स है और कभी लगता है ब्लैंक आउट हो जाएगी। जैसे बंगाल वॉरियर्स एक मैच में पटना को बुरी तरीके से हराती है और दूसरे ही अपने मैच में जो है गंदी तरीके से हारने के कगार पे खड़ी रहती है। तो ऐसे आपको टीम्स मिलती है कि जिसका कोई मतलब आप एक अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये स्ट्रॉन्गर टीम है, ये वीकर टीम है। इसमें जिस दिन जो खिलाड़ी चल गया ना, मतलब ऐसे टीमें पैक्ड है, मतलब पूरे सीजन में अगर देखे सारी टीमें आप किसी एक टीम को फेवरेट्स करार नहीं दे सकते। एक आध टीम है दबंग दिल्ली, बहुत अलग ही लेवल पे खेल रही है। बाकी उनके अलावा आप देखें तो पूरी की पूरी जो स्क्वाड है 11 टीम्स की, सबकी ऑलमोस्ट बैलेंस दिखाई देती है। हालांकि रिजल्ट्स वैसे नहीं कहते, बट बैलेंस दिखाई देती है। इस दोनों टीम की भी कुछ वैसी ही आपको मतलब नजर में आएगा, क्योंकि यूपी योद्धास टॉप फोर में फिलहाल और गुजरात जायंट्स जो है बॉटम फोर में है। बट द थिंग इज, यहाँ पे दोनों टीमों ने इक्वली अच्छा खेला या फिर इक्वली बुरा खेला, दोनों कह सकते कि समानता तरीके से खेल रही हैं। लेकिन अब इसमें आपके लिए क्या है इंटरेस्टिंग, आपके लिए इंटरेस्टिंग ये है कि आपको हम बताएंगे यहाँ पे कि आपको इन दोनों टीमों को मिला के आपकी प्लेइंग सेवन कैसे चुननी है, क्योंकि इन दोनों का तो बैलेंस सेवन अलग अलग हो सकता है, इन दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी एक लाइन में डायरेक्शन में जानी चाहिए और वो डायरेक्शन हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, शेयर अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ करें कि भाई यहां पे आ जाओ, कबड्डी का भी चालू हो गया है। साथ ही में कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या चाहिए, कौन से स्टैट्स चाहिए। हमारे भाई श्रीराम ने कहा था कि ग्रैंड लीग के पिक्स बताओ, हालांकि हम हर मैच में रिस्की पिक्स बताते थे, इस मैच में बताएंगे तो अगले मैच से शायद आपको उसके लिए अलग से स्लाइड भी मिल जाएगी। बट उसके अलावा आपको जितने भी पिक्स चाहिए, कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के, सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे। तो प्लीज 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 कमेंट जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो, नया कंटेंट लेके आए आपके लिए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस मैच की। ये गुजरात जायंट्स बनाम यूपी योद्धास, मैच नंबर 28, 19 अक्टूबर शाम को 7:30 बजे। 7:30 बजे मैच शुरू होने का टाइम है। आपके लिए क्रूशियल टाइम कितने बजे का है? आपके लिए क्रूशियल टाइम है 7 बजे के आसपास का, जब ड्रीम 11 पे या फिर जिस भी फैंटेसी साइड पे आप खेलते हैं वहां पे लाइनअप्स फाइनल सेवन अनाउंस हो जाती है। मतलब जो प्लेइंग सेवन होती है, सब्स्टिट्यूट सेवन नहीं, प्लेइंग सेवन अनाउंस हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम की स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स में मैक्सिमम एक या दो प्लेयर्स ही कभी कभार काम में आते हैं, बाकी सारे प्लेयर्स ऐसे ही नॉर्मली रहते हैं अगर कोई इमरजेंसी ना हुई तो। तो जो प्लेइंग सेवन है उसमें से ही आप मैक्सिमम 7 के 7 खिलाड़ी चूज करें अपने, हम वही आपको बताएंगे कि आपको चूज किसको करना, क्या करना है। बाकी आप ध्यान से खेलें, अच्छा खेलें और होपफुली इस मैच के लिए टीम बनाएंगे तो आपकी बहुत विनिंग्स और बहुत अच्छे रैंक्स लेके आए आप। बाकी हम सारी बातें करेंगे लेकिन इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक कुमार केडिया आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं गुजरात बनाम आपको यूपी योद्धास। अब इन दोनों टीमों के बीच में कैसा मुकाबला होगा, कैसा टक्कर होगा, वो सबसे पहले जानेंगे हेड टू हेड देखते हुए। तो चलिए सीधा हम चलते हैं हेड टू हेड की तरफ। हेड टू हेड कैसे दोनों के टीम के बीच में, गुजरात जायंट्स यूपी योद्धा को बहुत डोमिनेट करती है, 4-1 से आगे हैं और पिछले लास्ट 5 के भी 3-1 में है। टोटल 7 कुल मैचेस खेले आपस में, 7 में से 2 टाइड मैचेस रहे हैं और जो पिछला सीजन था उसमें एक टाइड था और एक गुजरात जीती थी, ऐसा यहां पे सिनेरियो बैठा हुआ है। यहां पे फिलहाल पिछले सीजन का प्लस पिछले 5 का मैंने लिखा कि 3-1 का रेशियो चल रहा है इनका। तो गुजरात जनरली डोमिनेट करती है, बट इस सीजन नया लुक आया है, नया फॉर्मेट आया है और नया टीम का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको। इस बार प्रदीप नारवाल जो है वो भी काफी अच्छे फॉर्म में आ गए यूपी योद्धास के लिए। पिछले मैच में आपने देखा क्या तगड़ा फॉर्म में आए वापस से और उनका साथ तो निभा ही रहे सुरेंद्र गिल। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हुआ कि कैसे इस मैच का आपको पलरा दिखता है, किसके तरफ भारी है, किसके तरफ कमजोर है, वो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि बैलेंस कैसी होनी चाहिए, टीम की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, सब बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप पहले प्लेइंग सेवन देख लीजिए कि प्लेइंग सेवन कैसी हो सकती है हमारे हिसाब से। तो गुजरात जायंट्स की जहां तक बात है, तो गुजरात जायंट्स की इस टीम में जो पिछला मैच खेली थी वो ये टीम है, लेकिन इसमें एक चेंज है, वो एक चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है वो मैं बताऊंगा। पहले टीम देख लेते हैं, राकेश रेडर मेन रेडर इनके राकेश अलोया, उसके बाद सौरभ गुलिया जो है आपके राइट कवर,
अर्कम शेख लेफ्ट कवर, चंद्रन रंजीत दूसरे रेडर हैं इनके लीड रेडर और दूसरे लीड रेडर, तो ये हैं आपके राइट इन, उनके बाद रोहित कुमार लेफ्ट इन, उसके बाद आपको शंकर गाड़ी गड़ाई, ये आपको हैं राइट कॉर्नर और ये लेफ्ट कॉर्नर में है संदीप कंडोला। ये आपके साथ जो प्लेइंग सेवन है वो है फिलहाल पिछले मैच के हिसाब से। इसमें एक चेंज, अब देखिए आप यहां पर रोहित कुमार उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रहे, संदीप कंडोला कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रहे, तो ये दोनों के जगह पे आपको रिप्लेसमेंट चाहिए होंगे। तो लगता है मेरे हिसाब से संदीप कंडोला को एक आध मैच और दिया जाएगा उनको चेंज करने से पहले, बट रोहित कुमार को यहाँ पे जो रेडर है इनके, इनके जगह ऑलराउंडर प्रतीक दहिया को मेन टीम में लाया, क्योंकि प्रतीक दहिया काफी अच्छे फॉर्म में और उनका यूटिलाइज करना चाहिए मतलब गुजरात की टीम को। प्रतीक दहिया जो है सेवन में डेफिनेटली अपना जगह बनाते हैं मतलब मेरे हिसाब से। तो प्रतीक दहिया का अगर मैं रिकॉर्ड बताऊं तो 15 उनके 15 रेड पॉइंट्स हैं, स्ट्राइक रेट 65.21 का, जो कि बहुत एक अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाता है किसी भी रेडर के लिए, और प्लस 2 टैकल पॉइंट्स भी उनके। तो प्रतीक दहिया मेरे हिसाब से स्लॉटिंग होते हैं रोहित कुमार के जगह, रोहित कुमार को अपने टीम से मतलब इस टीम से बाहर बिठाना पड़ेगा, सब्सिट्यूट में बिठा सकते हैं, बट प्रतीक दहिया जो सब्सिट्यूट में खेल रहे थे फिलहाल अभी तक, उनको मेन टीम में लाया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये आपकी प्लेइंग सेवन बन जाएगी और उसमें आपके जो मैंने चेंजेस कहा कि वो एक चेंज होने का मोस्ट ऑफ द चांसेस, तो टीम की बैलेंस जो है ना वो बेहतर लगेगी, बेहतर दिखेगी, क्योंकि सब्सिट्यूट को 8 बार ही आप टीम में चेंज कर सकते हैं, तो 8 बार में अब प्रतीक दहिया तो है, कितनी बार चेंज होते हैं कितनी बार चेंज नहीं होंगे वो आपको डिपेंडेंट है, हालांकि आप मैच में यूज कर सकते हैं काफी बार, बट द थिंग इज कि प्लेइंग सेवन ही होती है आखिरकार। प्लेइंग सेवन में मेरे ख्याल से प्रतीक दहिया स्लॉट इन करते हैं फॉर नेक्स्ट मैच, मतलब मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए, बाकी अब टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है उसका आपको देखना पड़ेगा। अब यहां पे जैसे कि रेड कलर्स में आपको रीडर्स दिख रहे हैं, येलो में आपको डिफेंडर्स दिख रहे हैं और पिंक में आपको ऑलराउंडर्स दिख रहे हैं, यहां पे आप ये तो कलर कॉम्बिनेशन समझ लीजिए पहली। दूसरी बात, अब बहुत लोग पूछते हैं कि आप पर टॉप प्लेयर्स कौन से हैं, वो भी अब बता के दिखाएं। तो टॉप प्लेयर्स अगर आपको किसी टीम में ढूंढना हो ना कि किसी टीम में मतलब अगर जनरली मतलब जनरली जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अगर जानना हो कि टॉप प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं किसी भी टीम के, तो 2-3 पोजिशन जो है ना वो स्ट्रैटेजिकली एडवांटेज होती है, मतलब स्ट्रैटेजी वाइज अगर आप बोले कि हाँ कम से कम ये पोजीशन पे खेलने वाला प्लेयर के पास एडवांटेज ज्यादा था पॉइंट्स स्कोर करने के, उसमें पहला है आपका सेंटर वाला रेडर, जो जिसको मैक्सिमम चांसेस, अगर टीम 50 रेड मार रही है ना तो 50 में से आपको मान के चलिए 35 से 40 रेड जो है ये सेंटर वाला प्लेयर सेंटर रेडर मारेगा, तो ये ऑलमोस्ट 60-70-80% रेडर रेड जो है ये सेंटर प्लेयर मारता है, बाकी और एक और दो जो रेडर्स रहते हैं रेडर्स या ऑलराउंडर्स रहते हैं वो बाकी टीम के 30% के आसपास का रेडिंग करते हैं, तो जो मेन सेंटर रेडर रहता है जो मेन रेडर था टीम का वो आपको टीम में मैक्सिमम पॉइंट देने का चांसेस रखता है फैंटेसी पॉइंट्स के नजरिए से भी, और साथ में आपके जो कवर कॉर्नर्स रहते हैं कॉर्नर्स उनके पास मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आप क्योंकि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहता है, तो टैकल करने के मैक्सिमम चांसेस फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो टैकल का होता है ना उनको पॉइंट्स मिलते हैं, तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो टैकल का करेंगे उनके हिसाब से आपको जो कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत अच्छे वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पे हालांकि इस टीम में वो दिक्कत वाली बात है क्योंकि कॉर्नर्स कुछ खास कर नहीं रहे, तो यहाँ पे आपको जो कवर्स है वो अर्कम से सौरभ गुलिया और शंकर गड़ाई, ये आपको तीनों अच्छा कर रहे हैं फिलहाल, तो सौरभ गुलिया आपके वन ऑफ द बेस्ट में आते हैं फिलहाल डिफेंडर्स में इस टीम के, और शंकर गड़ाई, तो ये सौरभ गुलिया और शंकर गड़ाई आपके टीम के बेस्ट आप इन पिक्स में इन द लॉट आप मान सकते हैं कि हाँ अच्छा कर रहे हैं। बाकी अब बढ़ते हम यूपी योद्धास की तरफ, यूपी योद्धास की टीम कैसी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे यूपी योद्धास प्रदीप नारवाल, आशुष सिंह, शुभम कुमार, दुर्गेश कुमार, सुरेंद्र गिल, नितेश कुमार और सुमित, ये इनकी प्लेइंग सेवन, इसमें मैं कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये इनकी जो स्क्वाड है उसमें बेस्ट सेवन मेरे हिसाब से पुट फॉरवर्ड की गई है और यही सेम खेलनी भी चाहिए मेरे हिसाब से नेक्स्ट मैच भी, अगर कुछ टैक्टिकल चेंजेस कुछ और वजह से चेंजेस हुए तो अलग बात है, बाकी मेरे हिसाब से ये प्लेइंग सेवन बेस्ट बनती है। अब प्लेइंग सेवन में आपके देखे टैक्टिकली जैसे मैंने कहा प्रदीप नारवाल वापस अच्छे फॉर्म में आ गए, ये हमें सेंटर में खेलते हैं, सुरेंद्र गिल इस टीम के लीड रेडर के हिसाब से मान सकते क्योंकि बेस्ट रेडर जो है इस टीम के ये फिलहाल सुरेंद्र गिल ही रहते हैं नॉर्मली, आपको वो एक हो गए। उसके बाद आपके बेस्ट डिफेंडर्स में आते हैं यहाँ पे नितेश कुमार बहुत अच्छे तगड़े रेडर पीके इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स में आते हैं नितेश कुमार को आप ट्राई कर सकते हैं, तो ये 2-3 प्लेयर हो गए जो आपके लिए काफी स्ट्रेटेजिकली अच्छा कर सकते हैं, और आशीष सिंह तो है ही ऑलराउंडर्स की भूमिका में, तो ये 2-3 प्लेयर जो है ना ये काफी स्ट्रेटेजिकली आपको अच्छे एडवांटेज में पुट करते हैं। बाकी अब ये तो हो गई यूपी योद्धास की सेवन प्लेइंग सेवन कैसी दिख सकती है, आपने देख ली, आप इसके हिसाब से आप अपनी टीम बना सकते हैं, लेकिन टीम बना लिया आपने तो
और सही जगह पे इन्वेस्ट भी कर दे भाई साहब। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की जहां तक हम बात करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको कॉन्टेस्ट सही और लीग सही चुननी चाहिए। ग्रैंड लीग में आप टीम लगाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क अपेटाइट के अकॉर्डिंग, लेकिन हम कहेंगे कि अब आप ट्राई करना चालू कीजिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, क्योंकि उसमें विनिंग परसेंटेज जो होता है ना वो बहुत हाई होता है, 50-70%। मान लीजिए आपने अगर 5 टीम या 10 टीम, मान लीजिए 10 टीम का एक आंकड़ा था कि 10 टीम लगाई अपने ड्रीम 11 पे, 10 टीम में आपको अगर जीतने का परसेंटेज 50-70% है, हम एवरेज मानते चलते 60%, तो आपकी 10 में से 6 टीम तो जीत ही रही है, और 6 टीम जीतने का मतलब आपकी बैलेंस एक हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। अब उस केस में, उस कंडीशन में आप खुद ही समझदार है कि आपको किस में ज्यादा से ज्यादा टीमें लगानी चाहिए। तो ये आपको इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी लो टू मीडियम खेलिए, ज्यादा रिस्क मत लीजिए, आप फैंटेसी को गेमिंग की तरह खेलिए, लत मत बनाइए। चलिए एंजॉय कीजिए इस मैच को, आपको बहुत अच्छी विनिंग्स और बहुत अच्छी रैंक आए उसके लिए ऑल द बेस्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ कि आपकी फाइनल 7 यानी ड्रीम 7 यानी कि फैंटेसी 7 कैसी दिख सकती है आपको, तो वो ऐसी दिख सकती है, डिस्कस करें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अभी तक पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चैनल का हमारा 12,000 की फैमिली बनने ही वाले, फटाफट आप लोग 12,000 की फैमिली बना ही दीजिए। बस बस एक बार एक सब्सक्राइब कर दीजिए, वो रेड बटन जो है उसको दबा के ग्रे करने का ही बस देरी है, आप फटाफट कीजिए, हमारी फैमिली का मेंबर बन जाइए, सदस्य बन जाइए फटाफट। हम बात करते हैं इस टीम के बारे में। डिफेंडर्स में आपके नितेश कुमार, सौरभ भुइया, ये अपने पोजीशन फिक्स करते हैं, नितेश कुमार वो सौरभ भुइया। उसके अलावा आपके ऑलराउंडर्स में आशुष सिंह, अकरम शेख, ये आपके दो जो प्लेयर बनते हैं ये ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं। रेडर्स इस दोनों टीमों में रेडर्स ठीक ठाक है, आपको अच्छे पॉइंट देने के लिए सुरेंद्र गिल, राकेश संगलोया, प्रदीप नारवाल, ये आपके जो है 7 प्लेयर बनते हैं प्लेइंग 7 के हिसाब से, जो एक बैलेंस टीम, एक सदीवी टीम हमारे हिसाब से आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी पिक्स कौन से हैं? सुरेंद्र गिल, राकेश संगरोया और सौरभ गुलिया, ये 3 हमारे सबसे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन पिक्स रहेंगे। आप इन तीनों में किसी को भी कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अगर आप मल्टीपल टीम्स बनाए, मान लीजिए 5 टीम बनाए, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं। एक टीम आपने राकेश संगरोया सौरभ गुलिया बना लिया, दूसरे टीम में आपने राकेश संगरोया सुरेंद्र गिल को बना लिया, तीसरे टीम आपने सुरेंद्र गिल और सौरभ गुलिया को, ऐसे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में। होपफुली जब आप इस मैच के लिए टीम बनाएंगे तो बहुत अच्छी रैंकिंग्स भी आएंगी आपकी। अब बात करते हैं, हमारे श्रीराम जी ने कहा था कि भाई ग्रैंड लीग के लिए टीम बताओ या फिर ग्रैंड लीग के सजेशन बताओ, तो रिस्की पिक्स जो होते हैं हमारे तरफ से वो ग्रैंड लीग के लिए ही जनरली होते हैं। तो रिस्की पिक्स जो आपको 3 हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर्स, हाई रिस्क तो नहीं मतलब मीडियम रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर आप मान सकते हैं, तो मीडियम रिस्क में आपके एक शंकर गड़ाई आते हैं ऑलराउंडर गुजरात के, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरे हैं आपके यूपी के डिफेंडर सुमित, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। तीसरे आपके हैं वो उतने रिस्की नहीं है, वो अगर टीम प्लेइंग 7 में खेलते तो अच्छा परफॉर्मेंस देके जा सकते हैं, कोई डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं आपके लिए। प्रतीक दहिया पर वो उनको आप ट्राई करते, वो ऑलराउंडर हैं गुजरात की तरफ से। तो ये तीनों प्लेयर्स को आप ट्राई कर लीजिए आपके ड्रीम 7 में, आप अगर ग्रैंड लीग की टीम बना रहे या फिर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे, मान लीजिए 5 टीमें 10 टीमें, तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन चाहिए प्लेयर्स के, तो आपको 3 अलग प्लेयर्स में, और हमने बताया 3 एडिशनल प्लेयर्स कौन से, प्रतीक दहिया, शंकर गड़ाई और सुमित, ये 3 प्लेयर्स आपके अलग से पिक्स बन सकते हैं। चलिए इस वीडियो फिलहाल इतना ही था, होपफुली आपको मजा आया हो, आपने एंजॉय किया हो, साथ में आपकी विनिंग्स भी अच्छी खासी हुई हो जाएंगी, अगर नहीं हुई है तो हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इस वीडियो का समापन करते हैं, लेकिन समापन करने से पहले आप लोग प्लीज 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 www.fantasyreal.com और हमारे ऐप दोनों जगह पे जाने का थोड़ा तकल्लुफ उठाइए, यहाँ पे आपको क्रिकेट और फुटबॉल से रिलेटेड फैंटेसी जो है आपको मिल जाएगी, जितनी भी टिप्स चाहिए, जितनी भी टीम्स चाहिए, जितनी भी स्ट्रेटेजी चाहिए सब मिल जाएगी यहाँ पे। आपकी लाइफ जो है ना फैंटेसी गेमिंग के नजरिए से, खासतौर से फुटबॉल और क्रिकेट के स्पोर्ट में आपको फैंटेसी गेमिंग का बहुत सहूलियत हो जाएगा, आपको सब कुछ सारे डिटेल्स वहां मिल जाएंगे। और हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लें, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे आप फॉलो कर लें, आपको डेली अपडेट्स भी हम भेज दिया करेंगे। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रोहन कुमार केडिया अलविदा कहता हूं, टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय, सी यू।